हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये लेट नाइट पार्टी मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप कर सकते हैं न्यू ईयर या फिर क्रिसमस के लिए भी, और किसी भी लेट नाइट पार्टी के लिए आप इस लुक को ईजिली कर सकते हैं गाइज। तो चलिए देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे किया है। और हाँ गाइज, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है भावना, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि आप नेक्स्ट टाइम क्रिसमस के लिए या न्यू ईयर पार्टी के लिए आप स्मोकी आई लुक करके दिखाइएगा। तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ गाइस। और प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और हाँ, इस मेकअप लुक की खास बात ये भी है कि इस मेकअप लुक को कोई भी ईजिली कर सकता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड गर्ल्स हो। अनमैरिड गर्ल्स भी इस लुक को ईजिली कर सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरा स्टेप वही होता है एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं अपना सारा स्किन केयर रूटीन पहले ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अभी लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये फेस प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। प्राइमर लगाना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपका फेस का जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। सो आज के मेकअप लुक की खास बात ये है कि इस मेकअप लुक को मैं करने जा रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम की हेल्प से। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने फेस पर अप्लाई कर ली है डॉट डॉट करते हुए लैक्मे सीसी क्रीम। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मैंने लैक्मे सीसी क्रीम से और पॉन्ड्स बीबी क्रीम की हेल्प से बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी। और गाइस, आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो आप उनकी हेल्प से भी ये मेकअप लुक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपनी एक्सपोली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस फेस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और हाँ गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी छोटी सी, कि अगर आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा डार्क दिखाना चाहते हैं तो आप मस्कारा की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपनी आईब्रोज को डार्क दिखाना है तो आप मस्कारा की हेल्प से भी कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को फिल। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि मस्कारा वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद मैं कंसीलर की हेल्प से अपनी जो डार्क सर्कल्स हैं उन्हें हाइड कर लूँगी, और फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को और थोड़ा डिफाइन करने के लिए ये स्मॉल फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और इसी की हेल्प से मैं दूसरी आईज पर भी अपना कंसीलर जो है अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी, और इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आपके आई शेडो पैलेट में जो भी ब्राउन कलर का शेड हो उसकी हेल्प से आप अपनी क्रीज लाइन को इस तरीके से अच्छे से उसे शेड को लगा लीजिए क्रीज लाइन पर, और ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का जेल आई लाइनर लूँगी, और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे पूरी आईलिड पर लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। आपने क्रीज लाइन तक नहीं लेके जाना है इसे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कोई भी जेल आई लाइनर ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का, बस वो वाटरप्रूफ होना चाहिए और स्मज प्रूफ होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, जो कि आपकी आईज़ पर काफ़ी देर तक टिका रहे। तो ये देखिए, मैंने इसे पूरी क्रीज लाइन पर नहीं लगाया है, सिर्फ हाफ आईलिड पर ही लगाया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, और मैं यहाँ पर स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हो गाइस, जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत मेरी इनर कॉर्नर्स में जो गैप नज़र आ रहा है उसे मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी, और इस तरीके से फिल कर लूँगी जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसे अच्छे से मैं पूरी आईलिड पर लगा लूँगी, और ब्लेंड करते हुए अच्छे से इसे लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहें तो इस आई मेकअप को सिर्फ यहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट डाल रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से मैं ब्लैक कलर का शेड और शिमर शेड ले रही हूँ ग्रे कलर का। तो इसे दोनों को मिक्स करते हुए मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से सेंटर आईलिड पर लगा लूँगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। We'll be right back.
तो ये देखिए ये ब्लैक कलर का शेड मैं एक बार और लूँगी और इसे इनर कॉर्नर्स में और आउटर वी पर इस तरीके से लगा लूँगी। अब मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप देख सकते हो अपनी लोअर लैश लाइन पर भी जेल आईलाइनर को लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से स्मच करते हुए मैं इसे लगा लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आईलाइनर और आईलाइनर के लिए मैं आप देख सकते हो ले रही हूँ यहाँ पर ADS की लिक्विड लिपस्टिक है। ये डार्क ब्राउन कलर का शेड है और इस तरीके से मैं आईलाइनर लगा लूँगी। एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईलाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ आप देख सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा यही ट्विस्ट डाला है गाइस क्योंकि मैं थोड़ा सा इस बार अलग करना चाहती थी कुछ, क्योंकि ब्लैक आईलाइनर बहुत ही कॉमन सा हो जाता है हर बार ब्लैक आईलाइनर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहती थी इसलिए मैंने ये रेड कलर का आईलाइनर लगाया है। ये आपको थोड़ी देर में रेड नज़र आएगा, ये देखिए। वैसे ये डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक है पर आपको थोड़ा सा रेड शायद नज़र आएगा कैमरा में। तो अब मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी आईलाइनर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो गाइज मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ और गाइज ये मैंने नॉर्मल मार्केट से ली थी लिपस्टिक जिसकी हेल्प से मैं कंटूर कर रही हूँ अपने फेस को गाइज, क्योंकि बहुत अच्छी कंटूरिंग कर सकते हो आप लिपस्टिक की हेल्प से भी। अगर आप डार्क ब्राउन कलर का शेड आपके पास है या चॉकलेट कलर की लिपस्टिक है तो उसकी हेल्प से आप कंटूरिंग भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो गाइस कि मैं इस तरीके से ओवल ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे ब्रश गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आया है, खासतौर से कंटूरिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अब मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ब्लश लगा लूँगी और गाइज मैं बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरा फेस थोड़ा और मतलब गाल जो है ना थोड़े और मोटे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगाती हूँ। बहुत ही लाइट सा ब्लश लगा रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाईलाइटर। तो मुझे इस ब्रश की हेल्प से गाइज हाईलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी अगर आप लेट नाइट पार्टी में जा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो इस तरीके से आप हाईलाइटर बहुत अच्छे से लगाइएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा आपका फेस इसमें। अब मैं यही सेम जो कि मैंने आईलाइनर लगाया था ADS लिक्विड लिपस्टिक से वही मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अब अपनी पसंद से कोई भी शेड चूज कर सकते हैं। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। और गाइस मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप लुक, पॉन्ड्स बीबी क्रीम और लैक्मे सीसी क्रीम की हेल्प से बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल, हेयर डंक वीडियो और हिना पैक और हैवी ऑयल मसाज वीडियो मैंने शेयर की हुई है गाइस। प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट के ऊपर चेक जरूर कर लीजिएगा गाइस, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आप देख सकते हो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ गाइस सीरियसली। और प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।